2000 के नोट पर आने वाले सितंबर की 30 तारीख के बाद प्रचलन में रोक लगाने का फैसला लिया है। इसके बाद जनता क्या सोचती है ये जनता से जानकर लेते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या देख रहे हैं, 2000 का नोट जिस प्रकार से बंद कर दिया गया है, 30 सितंबर तक वो सर्कुलर में रहेगा लेकिन उसके बाद बंद गया, क्या सरकार का फैसला कैसे देखते हैं आप? अभी तक तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं रख सकता है जी। पहले लाइन में लग के लिया गया, अब लाइन में लग के उसे वापस करना पड़ेगा, तो ये कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है जी। बाकी हो सकता है सरकार ने अगर फैसला लिया तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, इसका दूरदर्शी परिणाम क्या है वह तो हम नहीं बता सकते। क्या सर लगता है कि जिस प्रकार से पहले 500 और 1000 के नोट के लिए लाइन में लगना पड़ा था अब फिर से 2000 के लिए लगना पड़ेगा? हाँ, अब 2000 का वापस करने के लिए लगना तो पड़ेगा ही, जिनके पास होगा, खैर अपने पास तो है ही नहीं। बाकी ये है कि अभी उसको लेके क्या सरकार सोचती है, उसके बाद क्या फिर से 1500 के चलाएंगे, अभी ऐसा कुछ बताया तो है नहीं, तो एक अहम कदम हो सकता है। हालांकि ये दिक्कत तो देगा ही वैसे ही करेंसी के लिए, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा तो हमें जानकारी नहीं है। गवर्नमेंट ने भी जानकारी नहीं। मैडम, आप भी, आप कैसे देख रहे हैं जिस प्रकार से आरबीआई ने बैन कर दिया है 2000 का नोट? सर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक भी नहीं है 2000 का नोट, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पब्लिक का कैसे देख रहे हैं कि जिस प्रकार 500 और 1000 के लिए लाइन में लगना पड़ा था, क्या 2000 के लिए फिर से लाइन में लगना? बिल्कुल लगना तो पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ सर्कुलेट होती है लोग 2000 का नोट लेना बंद कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2000 का नोट है, मैं कोई सामान लेने जाती हूँ, दुकानदार लेगा ही नहीं, मेरे को बैंक ही जाना पड़ेगा और कल सुबेरे बैंक खुलेगा, तो मुझे परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। ऐसे कोई भी डिसीजन इस तरीके का लाते हैं तो थोड़ा समय तो मिलना चाहिए और सेक्रीफाइस तो होता है नोट्स का। सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, सही फैसला है या गलत है? कुछ नया करें ये नोट बंद करना, नए नोट निकालना, पैसा लगता है दोबारा करेंसी छापने में, वो जनता का ही पैसा होता है, सरकार का खुद का पैसा नहीं होता, जनता का पैसा लगता है। सर, आप कैसे देख रहे हैं 2000 का नोट एकदम से बंद कर दिया? लॉजिकली देखा जाए गवर्नमेंट ने पहले भी बंद किया है, तो मतलब कुछ रीज़न से बंद किया है, और मतलब देखा जाए कि इतना ज़्यादा मतलब अभी जो 2000 के नोट बंद हो रहा है, अभी आपने बताया शायद, मैंने भी अभी लेटेस्ट अभी न्यूज़ देखी है, तो मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है, गवर्नमेंट का डिसीजन लॉजिकली होगा, पहले भी लॉजिकल था, सही था। और सेक्रीफाइस तो देखिए जैसे पहले हुए थे वैसे अभी होंगे, थोड़े बहुत जो सर्कमटेंसेस थे वो अभी फेस करने पड़ेंगे, पर यह है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, बेनिफिट था और बेनिफिट होगा भी, अब इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट का डिसीजन ठीक है। उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं 2000 का नोट एकदम बंद कर दिया जाता है, आरबीआई की गाइडलाइन आती है कि 30 सितंबर तक बंद रहेगा, तब तक आप चेंज कर? हाँ जी, मेरे मानने में तो सही है जो सरकार ने डिसीजन लिया है, कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, क्योंकि लोग जो बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ऐसे स्टॉक करके रखे हुए हैं 2000 के नोट, क्योंकि उनको ज़्यादा अमाउंट जो है वो स्टॉक करना है, तो अच्छा डिसीजन रहेगा कि लोगों का जो ब्लैक मनी है वो निकलेगा इस बहाने से ही। जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो लोगों का ब्लैक मनी बहुत सारा निकला था, तो इस बार भी निकलेगा ही ब्लैक मनी, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार। लाइनों में पिछली बार लगने की तस्वीरें सामने आई थी, अगर वो फिर से अब की बार भी आती है, क्या नहीं लगता कि जनता ही परेशान होगी? जनता परेशान होगी, इस बार भी थोड़ा परेशान होगी, बट इसमें जनता की भलाई है, जितना भी काला धन है वो सब निकलेगा, वो जनता की भलाई में ही लगेगा, जनता से ही चुराया गया पैसा है काला धन जो है, तो थोड़ी परेशानी लेके अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो चीज़ तो बेहतर ही है। क्या पिछली बार 500 और 1000 के नोट बंद किए थे उनसे कहीं ना कहीं काला धन वापसी आया? रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि कुछ भी नहीं आया है, जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि 99% 99 point something सारा कैश वापस आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने कहा। इवन हमें तो 2000 का चलाने का ही उनका लॉजिक समझ में नहीं आया कि आप 1000 बंद करके 2000 चला रहे हो, करप्शन कैसे बंद होगा इससे, और अब उसको बंद कर दे रहे हैं, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसका जो क्लियर सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। या तो वो सिर्फ ऐसा चाहते थे कि 500 से 2000 का चला के हम करेंसी को लोगों को जल्दी पहुँचा दें, लेकिन कोई लॉजिक नहीं बना उनका, तो ये तो एक था कि हाँ ये 2000 आगे बंद करेंगे ही, ये पहले से उम्मीद थी, क्योंकि इसे चलाने का कोई मतलब था नहीं। अगर करप्शन कम करना है तो 1000 का बंद करने की क्या जरूरत थी, फिर 2000 चलाना था, तो 1000 का बड़ी करेंसी अगर आपको चलानी थी 1000 बंद करने का क्या मतलब रहा, तो मुझे इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आता, करप्शन का तो कोई लॉजिक नहीं है। सर, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली, कैसे देख रहे हैं 2000 का नोट जो है वो सर्कुलेशन में हटा दिया गया है सरकार से? सर, ये गवर्नमेंट ने सही करा है कि 2000 का नोट हटा दिया गया है, क्योंकि ये जल्दी टूट नहीं पाता था। अच्छा, हाँ जी, इसी वजह से सरकार ने जो फैसला लिया वो सही लिया बिल्कुल। जनता को समस्या नहीं होगी कि उसको बदलवाने के लिए जाने के लिए जो समस्या जो पहले आई थी लोगों के अंदर, वो समस्या नहीं आई? नहीं, समस्या तो होगी, वो समस्या तो होगी। तो सरकार के इस फैसले को कैसा मानते हैं? हम तो सही मानते हैं, बिल्कुल सही है फैसला, जी जी बिल्कुल सही है फैसला। महिला मौजूद है, उनसे पूछेंगे, 2000 का नोट सर्कुलेशन से हटा दिया गया है भारत सरकार द्वारा, कैसे देखता है रिजर्व बैंक? गलत हो रहा है ये सब, जो है जो भी हो रहा है गलत है, मगर ये अगर सरकार को ये करना ही था तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए पहले से। मगर ये है कि काला धन वो तो वैसे भी आ रहा है,
भाई गरीब आदमी के पास तो नहीं है तो कैसे दिखेगा, मगर जो है हमारे बड़े अधिकारी वगैरह है मगर चोरी छुपे ये सब लेते हैं। आप बताइए 2000 का नोट सर्कुलेशन से हटाया गया है तो इसको कैसे देख रहा सरकार ने फैसला किया है? ये तो फैसला तो सरकार को पहले ही सोच के करना चाहिए था। 2000 का नोट जो चलाया है तो ये सिर्फ इसीलिए बड़े लोगों के लिए, अब ये फिर इसके बाद बंद करने की पॉलिसी है तो बंद कर दिया जाए तो अब ये काला धन तो बाहर आएगा ही, जिन्होंने जमा कर रखा बाहर निकालेंगे पैसा। तो ये सरकार की एक पॉलिसी थी, और जो पहले 1000 का चल रहा था वो ठीक था। अच्छा। 2000 का जो ये नोट चला है तो उसको वैसे भी छोटे लोगों के हाथ में ज़्यादा नहीं आया है, बहुत जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तभी सब तरफ दिखा था, हर आदमी के हाथ में था, अब कहीं नहीं दिखता। जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी परेशानी हुई थी, लाइन में लगना पड़ा था और जाना पड़ा था और फिर कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी लंबी कतारें देखी गई थी, मतलब इसको कैसे देख पा रहे हैं? क्या होगा ये भी जैसे पहले हुआ था उसमें कतारें लंबी लंबी लगी थी, बहुत से लोग बेहोश हो गए, कई जगह पर ऐसा भी हुआ कि मतलब अस्पताल पहुंचने की नौबत आ गई लोगों को और बड़ी समस्याएं उठाना पड़ी लोगों को। मेरे साथ में यूँ तो आप बताइए कैसे लग रहा है, जो 2000 का नोट है वो सर्कुलेशन से हटा दिया गया भारत सरकार द्वारा RBI के गाइडलाइंस के, ठीक है कोई गलत फैसला नहीं है। अच्छा। अभी जो ज़्यादा अमाउंट जिसके पास होगा उसके लिए प्रॉब्लम होगा, हम जैसे ये लोग आम लोग हैं या हम लोग हैं तो अपने लिए कोई मसला ही नहीं है। वैसे भी 2000 के नोट मार्केट से पहले ही गायब है, 2019 में वो बनने बंद हो गए थे जैसा हमें जानकारी मिली है। हाँ। तो जनता को समस्या नहीं होगी कोई? बहुत ज़्यादा समस्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि जनता के पास बहुत ज़्यादा 2000 के नोट है ही नहीं, ज़्यादातर उन लोगों के पास है जिनके पास ज़्यादा पैसा है, काला पीला जो भी हो, लेकिन जनता के पास बहुत ज़्यादा 2000 के नोट नहीं है। जैसे 2016 में नोटबंदी हुई थी लंबी लंबी कतारें बननी हुई थी तो क्या वो भी देखने को मिल जाएगा या कुछ नहीं लग रहा है? हाँ ऐसा मिल सकता है बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि 2016 में आप बता रहे हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ था कि पूरी नोट सिर्फ 100 की छोड़ के बाकी सारी नोट बंद हो गई थी, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी कतारें लगी थी। उस समय मोदी जी आए थे 8 बजे आकर के, उन्होंने कहा था कि भाई नोटबंदी हो गई, आज एकदम से फैसला आया कब? हाँ ये दोनों फैसला देखिए झटके में तो है लेकिन मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं थोड़ा फ़ायदा भी मिलेगा।